देखो इसके बारे में बताना चाहूंगी, जो हमारा पहला धरना था वो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने हमारा जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया, कुछ गलत लोगों का हमने मात मान ली जिससे हमारा पूरा धरना खराब हुआ। हमारी खाप पंचायतें आई, हमारे जो और भी हैं माने जाने वो आए, हमने किसी को नहीं आने दिया कि हमारा जो मंच है वो पॉलिटिकल नहीं है, हम सिर्फ हाँ हम उनकी बातों में आके हमने किसी की रिस्पेक्ट नहीं रखी। हमारी गांव से उठ के खाप पंचायत आ रही थी, हमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, सिर्फ उन लोगों की बातों में आकर के हमारा पूरा धरना खराब हो गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम सब हम पूरे कुश्ती जगत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग है, हमारे साथ आओ, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई यहाँ के अपना झंडा लेके थोड़ी आएंगे कि वोट फॉर दिस वोट फॉर दैट। वो इसीलिए तो आएंगे हमारी हालात देख के कि ये एथलीट जो है कितने दुखी हो रहे हैं, पहलवान कितने दुखी हो रहे हैं, उन हमें सपोर्ट करने आ रहे हैं। जैसे मेडल लेके हम आते हैं तो हमें एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारा परेशानी में आ रहे हैं तो हम क्यों मना करें। हम तो अभी कोई भी आएगा हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, और पिछली बार जो भी हुआ उससे उसकी हम माफी मांगते हैं, जो भी हमारे बड़े बोला जितने भी खिलाड़ी हैं जो माने जाने उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप लोग आओ और हमारा समर्थन करो। ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग क्या कहेंगे कि क्या यूपी के लोग जो है क्या ब्रिजभूषण क्योंकि यूपी से आते हैं तो यूपी वर्सेस हरियाणा वाली चीज भी सामने आ रही है ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या आप लोग कहेंगे लगातार आप देखिए वो बाहुबली है और उसके पास पैसा है, पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कभी सर्च ऑपरेशन कुछ करवाता है, कभी ट्विटर पे कुछ लिखवाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं लिखवाए वो, पर जो सच्चाई है वो सबके सामने आए क्योंकि नहीं धमकी पिछली बार थे वो अब क्यों नहीं आ रहे हैं। वो डर है कहीं ना कहीं कि अगर हम फिर से हार गए या हमारी नहीं सुनी तो उनका करियर खराब हो जाएगा। ठीक है हम तो फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, ठीक है हमारा तो जो होगा वो देख भगवान के हाथ में है, लेकिन जो एथलीट है, जो पहलवान है, जो और हैं, वो डर रहे हैं कि कहीं हमारा करियर बर्बाद ना कर दे, पीछे अटके। यूं नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे फुल सपोर्ट में, हमें मैसेजेस आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, बस यही है कि वो अपना करियर बचाने के लिए थोड़े साइड में जो है। अभी ये बहुत जरूरी है कि हरियाणा और यूपी के बारे में एक बार क्लेरिफिकेशन दे, हरियाणा के आप और यूपी के रेसलर्स आप हैं। एक सिर्फ कुश्ती के खिलाड़ी नहीं, सभी खिलाड़ियों से चाहे वो किसी भी गेम से हो, सब अगर आप लोग हमारे पूरे खेल के साथ हैं, यूपी के रेसलर्स हैं काफी। हाँ अर्जुन अवार्डी भी है यूपी के और ओलंपियन भी पहलवान है। अच्छा नाम नहीं बताना। पिछली बार जब आप प्रदर्शन के लिए बैठे थे सारे खिलाड़ी यहाँ पे थे तो चार मुख्य मांगे थी, जिसमें WFI के अंदर हो रहा भ्रष्टाचार, इसके अलावा आप लोगों ने यौन शोषण की भी शिकायत की थी। देखिए वो मध्यस्थता के लिए आई थी, अभी वो सरकार के प्रेशर में है या किस चीज में प्रेशर में है, वो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स पर्सन से ज़्यादा उनको पार्टी अच्छी लगती होगी क्योंकि वो पहले थी खिलाड़ी, अभी तो वो पॉलिटिक्स कर रही है, तो हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, हमने पहले ट्रस्ट करके धोखा खा लिया है। अब कोई भी अगर बातचीत करना चाहेगा तो सबसे पहले तो हम यही बातचीत करेंगे, दूसरा अब की बार हम बातचीत नहीं करेंगे, जो हमारे बड़े पहलवान हैं, जो हमारे गुरु खलीफा यहाँ बड़े हैं। मैं बता दूँ आपको बहुत सारे द्रोणाचार्य आए, अर्जुन अवार्डी हैं, कंप्लेंट थाने में दी गई है, वो जो इंसिडेंट है वो कितने टाइम पीरियड के, कब से इस तरीके की बातें हो रही हैं?
जब से ब्रजभूषण आए हैं तब से लेके और अभी करंटली जो चीजें चल रही हैं, अब तक जितनी भी चीजें हुई हैं वो सब कंप्लीट। मतलब हम कितना समय मान ले, 4 साल 5 साल साक्षी कमेटी की मेंबर बना रहे की साक्षी को जिस दिन पहले दिन धरने पे बैठी उस दिन पता चला कि ये सेक्सुअल हरासमेंट में कोई कमेटी है और उसकी मेंबर है साक्षी है, उसमें जो चेयरपर्सन होता है वो नहीं हो जाता जब तक उस पे अरेस्ट नहीं हो जाता तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। इसके बाद WFI बजरंग एक सवाल था, पिछली बार जब आप लोग प्रदर्शन पे बैठे थे तो उस समय WFI में हो रहे भ्रष्टाचार को लेके, यौन शोषण को लेके, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे थे जिसकी आप लोगों ने मांग रखी थी और उस पे कहीं ना कहीं सहमति बनी थी जब खेल मंत्रालय से कमेटी बनाई गई। इस बार टारगेट केवल और केवल प्रदूषण शरद सिंह है, जो कयास लगाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जो चर्चा चल रही है कि टारगेट प्रदूषण शरद सिंह को क्यों किया जा रहा है, उसका जवाब अध्यक्ष तो वो है ना, आप लोग बता दीजिए, आप स्पोर्ट्स को भी कवर करते हैं सभी लोग, जो फेडरेशन का ऑफिस होता है वो किसी के घर में होता है, आज भी ब्रजभूषण के घर में वो फेडरेशन ऑफिस चल रहा है, किस लिए चल रहा है, जो लोग सस्पेंड कर रखे हैं वही लोग उसमें बैठ रहे हैं। मैं अगर कोई अगर किसी चीज़ का मैं अध्यक्ष हूँ कोई भी खेल संघ का, किसी को अधिकार दिया है और जब उस पर आरोप है तो टारगेट उसी को किया जाएगा, वो लोग हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। अभी जो चीज मुद्दा है वो सेक्सुअल हरासमेंट का है, मुद्दे करप्शन के बहुत हैं पर पहले सेक्सुअल हरासमेंट का है। अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारी अभी किसी से बात नहीं हुई है, जैसे भी ऑर्डर आते हैं वो हम डिसाइड करेंगे बैठ के, जो हमारी कमेटी है वो चीज की, हमारे जो गुरु खलीफा है उन सभी से बैठ के एक बार डिस्कस करेंगे, उसके बाद जैसा भी डिसीजन होगा उनका होगा, हमारा कोई डिसीजन नहीं है। लड़ाई में चेहरा हम है लेकिन लड़ाई हमारे जो कोच खलीफा है जो बड़े हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं।